नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कौन कौन से स्टॉक टॉप गेनर है, उसके बाद कौन से स्टॉक टॉप लूजर, साथ ही में कल के लिए ट्रेड होने वाले कौन से स्टॉक इन न्यूज़ में हैं, और उसके बाद बोर्ड मीटिंग एनालिसिस वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज कंसीडर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर फर्दर डिटेल्स। दिस डिटेल्स आर यूज फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली एंड प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सबसे पहले सेंसेक्स देख लेते हैं। आज माना था कि जैसे कि फ्राइडे को बाजार गिरा, मंडे को भी गिरा, बजट आने के बाद मंडे को भी आज गिरता हुआ देख सकते हैं, मंडे को भी गिरा साथ में बाजार, तो इसके इम्पैक्ट कल भी पड़ सकते हैं। तो अभी सेंसेक्स ओपन हुआ था 39,467 पे, 38,720 पे क्लोज हुआ, यानी बहुत डाउन, 792 पॉइंट गिर गया। वो मायने रखता है ये हिसाब से, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, और अभी बजट एक बार अपने जो सस्टेन कर ले ये कितना बजट टूटता है, फिर उसके बाद ही कुछ बाइंग सेलिंग निफ्टी और सेंसेक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी कैसा रहा। निफ्टी हुआ 11,558 पे बंद हुआ था, ओपन हुआ था 11,770 पे, वही इम्पैक्ट आया बाजार का, वही निफ्टी पे भी आया, सो निफ्टी भी गिरा। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले टॉप गेनर स्टॉक कौन से होते हैं। सबसे पहले एस सी एल टैग, ये मेरे कल स्टॉक की न्यूज़ में था, मैंने आपको बोला था एस सी एल टैग आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि उनका आई बी एम के साथ जो मर्जर हुआ था वो बहुत अच्छा साबित होके आ रहा है। तो उसके कारण इनका जो अब जो इनका जो क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आया उसमें ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ का 33.3% है ना, जिसके कारण एस सी एल टैग का जो ई बी आई टी मार्जिन है वो भी अच्छी आई, 19%, जिसके कारण एस सी एल टैग आप बाय कर सकते हैं। मेरा टारगेट 1150 का होगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस 990 का, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ के बाय कीजिएगा। और ये जो 1100 में 1150 बोल रहा हूँ ये कल के लिए नहीं है, 3-4 दिन में आराम से छू सकता है। लेकिन आप और बाजार का मूवमेंट कैसे रहेगा, लेकिन 700 पॉइंट गिरा तो भी आज ये 1800 रुपये प्लस में था, सो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लेके इन्वेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज टी सी एस, टी सी एस को आप बाय कर सकते हैं। टी सी एस की अभी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बंद हुआ, ये 2171 रुपये पे बंद हुआ, यानी ये जो है इनका जो टी सी एस का जो पैट का जो 4.7 है क्वार्टर का, जो मतलब 4.7 इसके जो रेवेन्यू वो अच्छा हुआ, पहले से 7,746.2 करोड़ हो चुका है, यानी टी सी एस और बढ़ सकता है, आप इसको निवेश कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है 4.7%। साथ ही में कल एक और बोर्ड मीटिंग है, और क्या बोलते हैं टी सी एस को आप परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के ही बाई कीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही परचेज कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। यस बैंक की, यस बैंक ओपन हुआ था 87 रुपीज़ पे, क्लोज हुआ 93 रुपीज़ पे। यस बैंक को एक जो है इनका जो अनऑडिटेड क्वार्टरली जो फाइनेंशियल का जो रिजल्ट है वो जो 30 जून का है वो इन्होंने डेट रिलीज कर दिया है, 17 जुलाई को वेनसडे को ये बताएंगे, और इनका जो और ये अपॉइंट कर रहे टू टॉप मैनेजर लीडर्स को, वो सब वो बोर्ड मीटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट में सब बता दिया जाएगा आपको। तो यस बैंक को बाय कर सकते हैं, इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आने की संभावना है फर्स्ट क्वार्टर का जून तक का, सो उसको आप बाय कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाय कीजिएगा, और टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के ही बाय कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। अब देखते हैं टॉप लूजर कौन से रहे। सबसे पहले बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस बहुत ज़्यादा बहुत बजाज फाइनेंस की, जैसे कि आपको पता था ऐसे ही जो मार्केट में बहुत अच्छा स्टॉक है, ये बहुत मजबूत स्टॉक है, ये 3700 का टारगेट था इसका, लेकिन अभी हाल फिलहाल बजाज फाइनेंस आज 200 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 290 पॉइंट माइनस हुआ। इसमें ब्लॉक डील आई थी सुबह सुबह 9:45 पे 24,937 की क्वांटिटी की, और 24,937 क्वांटिटी की ब्लॉक डील आई थी इस पर, सो इसके कारण ये और इसकी प्राइस थी 3,739। तो ये जो इन्होंने भी आज परचेस किया होगा कुछ खास कमा के नहीं निकले होंगे, बल्कि नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। देख लीजिए 3 बजे बाद ये स्टॉक भी उठना चालू हो गया, सो ये स्टॉक में अभी आप बाइंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गिर चुका है ये करीबन 289 पॉइंट्स, इसलिए आप बाई कर सकते हो, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाई कीजिएगा, और स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के बाई कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं।
हीरो मोटर कॉर्प, हीरो मोटर कॉर्प की एक बड़ी न्यूज है। बायर्स को जैसे पहले बाइक आती थी करिश्मा की, हीरो की, सो बायर्स को बहुत अच्छी लगती थी वो हीरो ने। अभी हाल फिलहाल इतनी आती नहीं है बाजार में, मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट बंद है, तो इसके कारण बाजार में लोग बाग हीरो से हटके बजाज पे जा रहे हैं। बजाज की पल्सर, पल्सर उसको जो जो करिश्मा चाहता था वो आजकल बजाज पल्सर बाय करने की सोचता है, क्योंकि बजाज पल्सर भी में भी अच्छी पावर पोटेंशियल है जो करिश्मा में थी, लेकिन करिश्मा बहुत चली थी इनकी बाइक, तो उसके कारण ये स्टॉक गिरा। क्योंकि इनकी जो फोर्थ मंथ की जो सेल्स है वो भी करिश्मा की, वो भी एक तरीके से वापिस नीचे डिसअपॉइंटेड के रहे, मतलब कि करिश्मा से सारे बायर्स बजाज पे जा रहे हैं। सो हीरो को कुछ अच्छी एक बाइक लॉन्च करनी चाहिए जिसके कारण इनका स्टॉक भी पॉजिटिव में दिखे। और अगर आपको अभी बाय करना है तो टारगेट लगा के ही बाय कीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बाय कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो कि 20% जो कि 20% ऊपर रहा, सो आप इसको बाय कर सकते हैं इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को। लेकिन आज बाजार के साथ साथ ही गिरा हुआ था करीबन 36 पॉइंट, सो इसको आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आज ये रिकवरी जल्दी ही दिखाएगा। स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के ही बाय कीजिएगा इसमें। तो और नए स्टॉक पे चलते हैं, अब देखते हैं कल के लिए ट्रेड कौन कौन सा है। सबसे पहले इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक की जो फाइनेंस कमेटी, उन्होंने अप्रूव कर दिया अलॉटमेंट का इक्विटी शेयर का, वो भारत फाइनेंस के साथ इंक्लूडिंग के लिए शेयर होल्डर का, जिसके कारण इनके जो प्रमोटर्स है वो रिकॉर्ड अपॉइंटमेंट होगी और कैलेटिकल ट्रस्टशिप साइन करेंगे, जिसके कारण ये एस्टिमेटिंग राइसी अलॉटमेंट होगा इनका जो इश्यू होगा। सो ये अच्छी बात है, इंडसइंड बैंक को आप बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट है 1600 का और स्टॉप लॉस है 1440 का, 35 का, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बाय कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, क्विक हील। क्विक हील की जो कंपनी ने रिसीव कर लिया है यूएस के, जो इनका जो पेटेंट है वो एंटी रोम सॉफ्टवेयर नाम का टेक्निकली। सो ये जो क्विक हील जो सॉफ्टवेयर है, इन्होंने जो जो क्विक हील ये वायरस वगैरह हटाती है कंप्यूटर में, बहुत अच्छा है। क्विक हील का स्टॉक जो कुछ टाइम पहले जो ट्रेड कर रहा था 230 240 पे, जब गिर के 163 आ गया, अब इसको जो मतलब ये जो अपना जो फ्रेश वायरस एंटीवायरस है वो लॉन्च करेंगे, जो इनका जो लाइसेंस है वो आगे बढ़ गया है, रिसीव हो गया इनको यूएस का पेटेंट का। सो ये अच्छी बात है, क्विक हील को आप बाय कर सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लगा के बाय कीजिएगा। मेरा पहला टारगेट क्विक हील का 210 और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 130 और 35 के आसपास का, क्योंकि नीचे भी गिर सकता है, कोई अभी संभावना नहीं है। और लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाय कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूज है, लेकिन अभी थोड़ा और बेस चाहिए क्विक हील को, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बाय पूछ के ही बाय कीजिएगा इस स्टॉक को। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, जे एच डब्ल्यू एनर्जी। जे एच डब्ल्यू एनर्जी का जो इनकी जो केयर रिफाइनमेंट जो जो रेटिंग होती है वो AA- पे स्टेबल हो गई है, जो पहले थी शॉर्ट टर्म के लिए A+ पे। सो ये थोड़ी सी बुरी खबर, शेयर और गिर सकता है, क्योंकि जे एच डब्ल्यू एनर्जी कुछ टाइम पहले मैंने आपको इसकी न्यूज़ से बताई थी, कंपनी क्या डिसाइड करी है सोलर प्लांट वगैरह लगाने का जिससे बिजली कम हो। तो ये अच्छी बात है कि ना एनर्जी जल्दी बनाए तो अच्छी बनाए, तो क्या कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। सो ये थोड़ा बहुत बैड न्यूज़ है, सो आप इसको आप सोच समझ के बाय कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाय कीजिए इस स्टॉक को। नए स्टॉक पे चलते हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज। जैसे कि आपको पता है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इनका क्वार्टर फोर का जो सेंट अलोन का जो प्रॉफिट है वो 20% अप हुआ है, यानी कि 451.2 करोड़ हो गया, पहले था 373.1 करोड़, जिसके कारण इनका जो रेवेन्यू है वो भी 16% बढ़कर हो गया है, यानी कि 53.52 हो गया है, मतलब 5352 और पहले था 4611। तो ग्रासिम इंडिया के लिए अच्छी बात है, आप इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के ही बाय कीजिएगा। नए स्टॉक पे चलते हैं, अब देखते हैं बोर्ड मीटिंग वगैरह। सबसे पहले बोडल केमिकल की, बोडल केमिकल की बिजनेस मैटर है 12 जुलाई को। जिंदल स्टील की जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है वो है 8 जुलाई को। इंडसइंड बैंक का जो क्वार्टर फोर का अनाउंस होगा वो है 12 जुलाई को होगा, और कोटक महिंद्रा बैंक की 22 तारीख को फाइनेंशियल मीटिंग है, जिसमें वो रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करेंगे। ये कुछ बोर्ड मीटिंग थी, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा और सारे स्टॉक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाय कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
If you like our video, hit the like button and subscribe to our channel, and never forget to press the bell icon to get latest videos update.